स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश तारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन पता है क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद को बीमारियों के इलाज और हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस में से एक माना जाता है। इसके अलावा हाल ही में इसमें और ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है। जी हाँ, क्योंकि भारत सरकार ने COVID-19 महामारी से लड़ने के अपने प्रयासों में इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक योगों के उपयोग की वकालत खूब करी है। तो इसके अलावा सरकार ने COVID-19 के उपचार में सिलेक्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड आयुर्वेदिक दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का इवैल्यूएशन करने के लिए एक इनोवेटिव क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स की घोषणा भी कर दी थी। तो मॉडर्न डिजीजेस के इलाज में जब हम बात करते हैं, आयुर्वेद के बढ़ते महत्व को देखते हुए अब यह स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल प्रणाली में सही मायने में और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार है। यह हमारे देश के लिए एक अवसर है। इस प्रकार मॉडर्न लिविंग हेल्थ और साथ ही मेडिकल सिस्टम में इसकी प्रगति और साथ ही परिवर्तन की तेजी से ट्रैक करने की आवश्यकता है। तो देश और साथ ही विश्व में आयुर्वेद के महत्व को देखते हुए भारत के लिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि हमारा रोड मैप क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं डिमांड लगातार आयुर्वेद के लिए बढ़ रही है, लेकिन हमारा रोड मैप क्या है, आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा। पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालेंगे और उसके बाद चर्चा की ओर बढ़ेंगे। आयुर्वेद क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो भारत में लगभग 3000 वर्षों से ये प्रचलन में है। सोचिए, 3000 वर्षों की हमारी पूंजी है, ये हमारा रिसोर्स है। वर्ष 1971 में जब हम बात करते हैं IMC इंडियन मेडिकल काउंसिल में उपयुक्त योग्यता स्थापित जो है करी, तो उस वक्त भी आयुर्वेद को तवज्जो दी गई और आयुर्वेद के लिए एक पढ़ाई की भी घोषणा की गई। आयुर्वेद में सबसे खास बात यह है कि ये प्रिवेंट और क्योर दोनों करता है, यानी कि आपको बीमारी से बचाता भी है और आपकी बीमारी अगर कोई हो गई तो उसे ठीक भी करता है। हर्बल औषधियों, फिजियोथेरेपी और साथ ही डाइट, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ अगर हम जब आयुर्वेद का जिक्र करें, डाइट के ऊपर भी काम करना भी आयुर्वेद की स्टडी है। 2014 में सरकार द्वारा आयुष मिशन की शुरुआत जो है की गई। 2026 तक ये राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो लागू किया गया और इसका एक सिर्फ बेसिक जो टारगेट था वो ये था कि हमारे भारत के अंदर आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए। तो 4603 करोड़ का आयुष मिशन बजट जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया और 3000 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है वो फंड होगा इसके अंदर। कोविड के बाद अगर जिक्र करें तो ये हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन की तरफ से बात की गई कि कोविड के बाद आयुर्वेद इकोनॉमी में 90% वृद्धि हुई है। सोचिए, 2021 के अंदर ये बात जो है उनके द्वारा की गई। तो कोविड के बाद आयुर्वेद इकोनॉमी में 90% वृद्धि हुई है, यानी कि स्पष्ट रूप से साफ है कि आयुर्वेद के अंदर हमारे पास पोटेंशियल तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन बात अब ये आती है कि हमारा जब ये संसाधन है, हमारे पास ये रिसोर्स है, तो हम इसके लिए कर क्या रहे हैं? क्यों ना हम इसे विश्व गुरु, जब हमें बनना होगा तो विश्व गुरु के लिए आयुर्वेद भी हमारे पास एक स्टडी है, क्यों ना इसका इस्तेमाल जो है किया जाए। एक्सपोर्ट्स के अंदर जब हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर आयुर्वेद का कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर फिलहाल अगर हम हाल ही में बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स के अंदर 8.6% तक योगदान जो है वह आयुर्वेद का है, क्यों ना ये और ज्यादा बढ़े। क्योंकि जब हमारे पास एक ताकत है, जब हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, जब हम अपने देश की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, आयुर्वेद उनमें से ही एक है, योगा उनमें से एक है, तो जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, क्यों नहीं हमें एक्सपोर्ट्स के अंदर भी इन्हें बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप जो है वह बनाना चाहिए। तो लगातार प्रयास जो है वे करे जा रहे हैं सरकार द्वारा। साथ ही हम स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी प्रयास जो है किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से आयुर्वेद को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर नवीन जोशी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कुशवाहा हमारे साथ MD हैं आयुर्वेदा की, और साथ ही डॉक्टर आंचल महेश्वरी आयुर्वेदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। सुनील जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। भारत में 3000 साल पुराना हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये, और आने वाले समय के अंदर क्या कुछ पोटेंशियल है इसका, क्या कुछ भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने बताया, आयुर्वेद प्रिवेंट दोनों बहुत बेहतर,
लेकिन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हमारे पास काफी ज्यादा स्कोप है। तो हम हेलमेट की तरफ जाएंगे या मेडिको टूरिज्म की तरफ जाते हैं तो इसमें दुनिया को देने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। जहां हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आज देश का मानते हैं भारत में 30 लाख मौतें हर वर्ष हृदय रोग से होती है जी, जो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में अगर इन कुछ चीजों को, लाइफ स्टाइल को अगर बेहतर कर लिया जाए तो 70% मौतों को रोका जा सकता है, ये ICMR का अध्ययन है। तो इस तरह से और डायबिटीज की राजधानी बन रहे हैं नॉन कम्युनिकल। सुनील जी, आपने एक आंकड़ा दिया अभी, आपने एक आंकड़ा दिया कि मौतों को रोका जा सकता है, आप इसे थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद एक हेल्थ लाइफ साइंस जीवन जीने की पद्धति है। आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या का विस्तृत वर्णन किया गया है कि हमें किस तरह से सवेरे से शाम तक कार्य करना है, सवेरे उठने से लेकर दिन भर को कार्य करें और रात को सोना किस तरह से है, गैजेट का इस्तेमाल किस तरह से करें, आजकल जो लाइफ स्टाइल हो रही है उसमें स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, योग प्राणायाम को कैसे शामिल किया जा सकता है, और डाइट को हेल्थी कैसे रखें। डाइट केवल न्यूट्रिशन से ही हेल्थी नहीं, उसको खाया कैसे जाए आयुर्वेद में इसका भी वर्णन किया गया है। मौसम चेंज होते हैं, सीजनल चेंजेस, जैसा भी सर्दी की ऋतु हुई है तो सर्दी की ऋतु में कैसे रहना, गर्मी की ऋतु में कैसे रहना, क्योंकि ये सर्दी की ऋतु आई है तो कार्डियक अरेस्ट बढ़ेंगे, ऋतु की बीमारियां बढ़ेगी, तो बीमारियों को कैसे इनसे लाइफ स्टाइल कैसे रखनी है, तो ऋतुचर्या का भी वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद हेल्थ लिविंग को बढ़ावा देता है। इन चीजों पर हम फोकस करेंगे तो काफी प्रिवेंटिव इफेक्ट हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने काफी काम किया है इस पर, लोगों को जन जागरूकता आपके पास वापस लौटूंगी सुनील जी। आंचल जी है हमारे साथ। आंचल जी, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, भारत के अंदर आयुर्वेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एक लाइफस्टाइल चेंज देख रहे हैं, हम वेस्टर्न की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, एलोपैथी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों आयुर्वेद को हमारे भारत के अंदर ही तवज्जो नहीं दी जा रही है? जी आंचल जी, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। देखिए हाँ, पहले कुछ समय तक ऐसा था, इंक्लिनेशन हो गया है लोग आयुर्वेद, एंड पहले जहाँ पर लोग वेस्टर्न कल्चर वाले वेस्टर्न जो आचल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपके पास वापस लौटते हैं हम। डॉक्टर नवीन जोशी है हमारे साथ। COVID-19 के अंदर नवीन जी, हमने देखा कि लोगों को एकदम से आयुर्वेद की याद आ गई जब इम्यूनिटी बढ़ानी थी, क्यों इसे पहले ही इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद हमने देखा 90% COVID-19 के बाद वृद्धि हुई, मतलब कि इसका पोटेंशियल तो है भारत के अंदर। जी नवीन जी। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। COVID-19 के समय में आयुर्वेद की चिकित्सा को एक्सेप्ट करने में बहुत विलंब लगाया भारत हमारी सरकार ने, लेकिन बाद में इस पोटेंशियल को एक्सेप्ट किया और बाद में हमारे आयुर्वेद के काढ़े और संजीवनी वटी और आयुष किट जो है वो पूरे भारत में बहुत ज्यादा काफी हद तक इसको विस्तृत विस्तार से इसका प्रयोग किया गया और बहुत सारे इस पे रिसर्च भी हुए जिन्होंने दिखाया कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि को बढ़ा करके हम अपनी जो है किस प्रकार से हम अपनी लाइफस्टाइल को अमेंडमेंट करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीजें बाद में हमें कोविड में ये बात एक्सेप्ट हुई और बाद में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने अपने प्रोटोकॉल में भी गोल्डन मिल्क इन सब को जो है वो पूरा किया। जी, तो इस प्रकार से दूर से देर से ही सही, लेकिन भारत सरकार ने इन सभी चीजों को माना और आयुष को की इम्पोर्टेंस को समझा और आज कोविड ने ही आयुष को इतना बड़ा मौका दिया है अपने आप को साबित करने का। जी मैडम। सुनील जी, आपके पास मैं वापस लौटना चाहूंगी। जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो इसकी एक पढ़ाई भी होती है, क्या आपको लगता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज की डेट के अंदर आयुर्वेदा की पढ़ाई की ओर जा रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हर किसी को डॉक्टर बनना है लेकिन आयुर्वेदा की तरफ नहीं बनना, उन्हें एलोपैथी की तरफ जाना है, सर्जन की तरफ जाना है, और ये भारत के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। जी सुनील जी, आयुर्वेद में एलोपैथी की तरफ 4.5 वर्ष का कोर्स होता है, BMS होता है, उसके बाद 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है। तो पहले एक जमाना हुआ करता था आयुर्वेद की तरफ बच्चे आकर्षित नहीं होते थे, अब केवल संस्कृत में पढ़ाई हुआ करती थी, अब बायोलॉजिकल बेसिस पे भी बच्चे आते PCI वाले, तो लोगों का रुझान बढ़ा है। मतलब एक से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें एक सीट पर 10-10 बच्चे कॉम्पिटिटर रहते हैं, जो पहले आंकड़ा काफी कम था।
तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ इनमें भी इंटरेस्ट बढ़ा है कम्पलीटली दूसरी शैक्षियों के जी आयुर्वेद के प्रति। प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी बढ़े हैं तो डोनेशन देने के भी लोग इसमें प्रवेश रहे हैं। सरकारी कॉलेज भी बढ़े हैं, राजस्थान में ही ले लें हम, केवल एक सरकारी कॉलेज हुआ करता था आज से 4 साल पहले तक जी। और अभी हर संभाग स्तर पर कॉलेज स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज मतलब पिछले 4 साल के अंदर 13 कॉलेज हो चुके हैं, तो ये बच्चों का या लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है इसकी तरफ, पढ़ाई की तरफ, इसी वजह से ये बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप आज भी इसे कह सकते हैं दावे के साथ कि बच्चे डॉक्टर जब बनने की बात करते हैं तो आयुर्वेदे का जिक्र करते हैं कि जी मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, या फिर सिर्फ इसे एक ऑप्शन के तौर पर रखा जाता है? जी सुनील जी, दोनों चीजें हैं। हम जब देखते हैं उनका वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगिता क्या है, जब आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास भी उसी तरह की भीड़ रोई ग्लैमर वही उपयोगिता समाज में जब आयुर्वेद चिकित्सक दे पा रहा है तो निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित तो होना ही है। अभी कोविड महामारी देखी हमने, कोविड महामारी में जिस तरह से आयुर्वेद ने काम किया इम्यूनिटी बढ़ाने में और प्रिवेंटिव अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, जिस तरह से बीपी शुगर इन सब में कार्डियक डिजीज और जॉइंट पेन जो कि कॉमनेस्ट डिजीज है जिसमें आयुर्वेद की उपयोगिता जो है साबित हो रही है, तो निश्चित रूप से लोग और बच्चे समाज आयुर्वेद के प्रति आकर्षित हो रहा है। पहले एक बेहतर विकल्प का कम्पीट कर रहा है तो सरकार भी इसका फोकस कर रही है। पिछले 7 सालों में 4 गुना बजट बढ़ा है आयुष मिनिस्ट्री का, तो ये सब देखते हुए संसाधन और बढ़ेंगे सरकार का और ध्यान जाएगा तो निश्चित रूप से समाज और बच्चे युवा भी इसकी तरफ आकर्षित होंगे। आयुर्वेद अब वो वाला आयुर्वेद नहीं रहा जो पहले वाला था, तो अब आयुर्वेद में भी कुछ नवाचार हुए हैं और लोगों की उपयोगिता समाज के साथ चलने युग के अनुरूप चलने की चीजें बढ़ी है। उसी तरह की मेडिसिन स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है और जी आचल जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। आचल जी मैं आशा करती हूँ आप तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी। आयुर्वेद जब हम बात करते हैं भारत का एक संसाधन है, हमारा एक रिसोर्स है, तो हम इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लेकर जाते हैं? जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो बल्कि तो हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आयुर्वेदा के ही होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 8.6% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा एक्सपोर्ट्स के अंदर। जी आचल जी यस ऐसा है, लेकिन अभी फ्यूचर में हम ऐसा कह सकते हैं कि काफी हद तक इसमें चेंजेस आने वाले हैं। आयुर्वेद जहाँ पे लैकिंग था वो एविडेंस बेस्ड, कहाँ पे वो चीज बोली जाती थी कि आयुर्वेद में एविडेंस बेस्ड नहीं है, या वो हमारी जो लैंग्वेज है उन्हें उस लैंग्वेज में समझाना है जो मॉडर्न लैंग्वेज में हमारा जो आयुर्वेद है वो समझते ही नहीं है, जो जिनको हमें एक्चुअली समझाने की जरूरत है। तो अभी लेकिन फ्यूचर में हम आगे जैसे अभी वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं जी, हमारा इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट होगा और मेहनत चल रही है, आयुष मिनिस्ट्री भी कर रही है, आयुर्वेद के जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं अब सब लग चुके हैं आयुर्वेद की तरफ। नवीन जी क्या लगता है आपको, जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं कि आयुर्वेदा, भारतीय आयुर्वेदा की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पहुंचे, क्या एक रोड मैप होना चाहिए, क्या एक रास्ता होना चाहिए, क्यों ना इसे हमारे पास अगर ये रिसोर्स है तो उसे इनकम का रिसोर्स जो है बनाया जाए? जी नवीन जी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आयुर्वेद उपयोगिता को सिद्ध करना है तो सबसे पहले जो रिसर्च को बढ़ावा देना पड़ेगा, शोध, क्योंकि इंटरनेशनली हम किसी भी चीज को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमें उनकी ही भाषा में हमें समझाना पड़ेगा कि जो हमारी दवाएं काम करती है वो कैसे काम करती है, वरना अभी जो हमारी आयुर्वेद की दवाएं हैं वो सब जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में बाहर जा रही है। आप देखिए कि चाइना ने एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो कैप्चर कर रखा है, क्योंकि उसने अपने रिसर्च के द्वारा अपनी चाइनीज हर्बल मेडिसिन के बारे में ये प्रूव किया है कि ये औषधियां काम करती हैं। तो ये सभी चीजें हमें देखने की बात है, हमें इसमें रिसर्च शोध और इसमें और ज्यादा फंड्स को लाना पड़ेगा। जी क्या आपको लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी हो रही है या फिर हम आउटडेटेड जितनी भी हमारी रिसर्च थी सिर्फ उसको ही आगे बढ़ाई जा रहे हैं? जी नवीन जी, क्योंकि मैं जी एक मिनट मैम भी आपको बात करता हूँ आपसे सुनील जी, सवाल रहेगा मेरा जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सुनील जी क्या कहना चाहेंगे, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम होते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है। अभी जामनगर में अभी पिछले 4 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने और WHO के चेयरमैन भी आए थे, तो 2000 करोड़ का एक इंटरनेशनल ट्रेडिशनल सिस्टम का इंस्टीट्यूट बना है, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कोविड के बाद। और रिसर्च पर सरकार और आयुष मिनिस्ट्री का फोकस है क्योंकि एविडेंस और रिसर्च के बेस पर ही हम अपनी साइंस को पूरी दुनिया के सामने ले जा पाएंगे।
कोविड में भी हम सीधा 28 मिनट में आईसीएमआर के साथ मिलकर मल्टी लेवल पर काम किया, जिससे स्टैंडर्डाइजेशन के बाद कुछ औषधियों को प्रमाणिकता के साथ माइल्ड और मॉडरेट केसेस में जैसे IV-64 गिलोय जनबसिन, इनको एविडेंस प्रूव होने के बाद ही स्थापित किया। लेकिन नवीन जी ने एक बात कही कि चाइना का जब हम जिक्र करते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब हम बात कर रहे हैं आयुष की और साथ ही हर्बल जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट नंबर पर जो है चाइना है, और उन्होंने प्रूफ करा है कि जी देखिए इससे ये चीज ठीक होगी। तो जब तक हमारे कस्टमर को एक प्रूफ नहीं मिलेगा, जब तक उनको एफिशिएंसी नहीं दिखेगी, वो कब तक वो प्रोडक्ट को जो है वे खरीदेंगे, क्योंकि ये तो कंज्यूमर बिहेवियर है ना। बिल्कुल, पिछले 7 साल में 4 गुना बजट बढ़ा है इसमें, बिकॉज में शोध के लिए भी काफी काम हुआ है, और आने वाले समय में और देखेंगे हम जब संसाधन बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, क्योंकि रिसर्च के लिए सबसे बड़ा संसाधन चाहिए होता है, बड़े इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहिए होता है। अभी जो 2000 करोड़ का जो ट्रेडिशनल सिस्टम के लिए जो इंस्टीट्यूट बना है, इस तरह के और भी बढ़ेंगे, जब रिसर्च होगी बड़े लेवल पर, तो हम दुनिया के सामने अपनी चीजों को रख पाएंगे एज ए मेडिसिन। अभी जैसा कि बताया सर ने कि अभी हमें फूड सप्लीमेंट के तौर पर हमारी दवाइयां बाहर जा रही है, हल्दी, सौंठ, जो अश्वगंधा, तो जब ये औषधि के रूप में जाएगी, जैसे डायबिटीज की दवा स्टैंडर्डाइजेशन होके जाएगी, वो तब हम अपने मार्केट को और बढ़ा पाएंगे। जो चाइना का बहुत बड़ा कब्जा है इस मार्केट पर, तो हम उसको टक्कर दे पाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि तो 7 सालों में 8 सालों में जो काम हुआ है, आने वाले 10 सालों में ये 3 से 4 गुना बढ़ने वाला है। जो भी जैसा कि आप बता रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन 8.6% है, ये आयुष मिनिस्ट्री भी इसको देख रही है, तो 20 से 25% तक आने वाले 10 सालों में कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ऐसा उनका आकलन है। तो आंचल जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि जब आयुर्वेदा का हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारी बहुत साल पहले जो खोज करी गई आयुर्वेदा के ऊपर, जो भी शोध किया गया उस पर, उसे ही आगे जो है चलाया जा रहा है, इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने की कितनी आवश्यकता है। देखिए, आयुर्वेद उतना कुछ है, आयुर्वेदिक सागर की तरह है, अगर इसमें अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिसर्च चल रहे हैं। जो अभी जुलाई का ही अभी लिंक है कि इसमें 203 जो कोरोना की मेडिसिन थी, 203 शोध हुए, जिसमें से मैक्सिमम आयुष पे है, 61% आयुष पे है, और 61 आयुष प्लस भी जो मैक्सिमम शोध चल रहे हैं मेडिसिन के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। अभी पिछले ये जो ग्लोबल ट्रेड सेंटर बनाए हैं गुजरात में, वो भी एक अपने आप में वर्ल्ड मतलब एक मान कह सकते हैं मिसाल होगी, जो अभी अंडर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया, सब कुछ किया, तो उनकी राय में वो जरूर एक मिसाल साबित होगी पूरे विश्व के सामने, जो आयुर्वेद को एक मुकाम पर लेकर जाएगी। तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूंगी, अभी जो कमी है ना आयुर्वेद, और यहाँ पर ये है कि जो हमारा जो युवा वर्ग है, जो 12th के बाद बच्चे निकलते हैं, उनको पूरा इंटीग्रेशन जो बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन 99% या 100% मार्क्स आते हैं, वो आयुर्वेद की तरफ की जाते हैं, वो एलोपैथ की तरफ जाते हैं। जब उनमें से जो इनको लगेगा कि हाँ आयुर्वेद में करने के लिए बहुत कुछ है, और वो फ्री में आयुर्वेद पढ़ने लगेगी, सुनील जी, साथ ही सवाल अब ये रहेगा कि ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो गई, अब बहुत बार अक्सर देखने को मिलता है हमारे गली मोहल्लों के अंदर आयुर्वेद के अपने आप ही ट्रेंड बैठे होते हैं, लेकिन वो ट्रेंड होते ही नहीं, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं ली होती है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना जनता के लिए, साथ साथ हमारे पूरे सिस्टम के लिए, जो भी हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या फिर जिसके पास भी हम प्रिस्क्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, वे ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर इस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जी सुनील जी, बिल्कुल पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, तो सरकार ने भी अपने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें एक डीडी पावर दी हुई है, एक अधीक्षक होता है जो जिसकी प्रॉपर ड्यूटी होती है कि माल प्रैक्टिस को रोका जाए किसी भी तरह का, जो वास्तविक जिनके पास डिग्री है वही ये काम करें, ऐसा एक सिस्टम बनाया जैसे एलोपैथी में, तो वो सिस्टम असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का एक पद क्रिएट किया हुआ है, तो वो जाते हैं और समाज में से मालप्रैक्टिस को रोका जाए इस पर काम करते हैं। तो BMS की डिग्री हो या फार्मेसी की डिग्री हो, या बेचने के लिए जिस तरह के फूड या फूड सप्लीमेंट या आयुर्वेद से जुड़ी हुई जैसे देसी दवा खाने या जिस तरह के जो भी होता है उनको भी रेगुलेट करने के लिए भी आयुष मिनिस्ट्री ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या दूसरी एक्ट है ये भी बने हैं, तो इनका प्रॉपर तरीके से पालन हो, पालन होना तो जरूरी, नियम कानून तो बने हैं, पर उनकी अनुपालना कैसे होती है इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल लोग जागरूक भी हो चुके हैं, तो वो
चीज को प्रॉपर वे से ही लेना चाहते हैं। कोविड में देखा गया, हमने मार्केटिंग देखी गई और मिथ्या धारणाएं मिथ्या सूचनाएं गई, इंफॉर्मेशन सही सोर्सेज से आनी चाहिए। तो कोविड में ये थे काम करता है, ये काम करता है, गूगल भरा पड़ा है या फेसबुक पर बात करती चीजें चलती रहती, उनसे भी बचा जाना चाहिए। तो सोर्स हो आपके पास जो सूचना आए, लेकिन लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गाँव के अंदर देखने को मिलता है लोग जागरूक नहीं है। नहीं, वो जागरूकता को बढ़ाने का काम आयुष मिनिस्ट्री कर रही है। पहले इस लेवल पर जब रिसोर्स पर्सन जाएंगे, जैसे आयुष बीएमएस पहले 5 गुना लोग बीएमएस कर रहे हैं, अब ये लोग वापस के फील्ड में जाएंगे, समाज में जाएंगे तो लोगों को जागरूक करेंगे, समाज का हिस्सा बनेंगे। नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, डिग्रिया लेकर जब लोग संसाधन लेकर समाज में जाएंगे तो लोगों में जागरूकता बिल्कुल बढ़ेगी। पहले 1000 लोग अगर बीएमएस कर रहे थे, आज 5000 कर रहे हैं, तो वही तो लोग समाज को जागरूक करेंगे। आयुर्वेद की पढ़ाई भी हो रही है, फार्मेसी भी पढ़ रही है, तो इन चीजों में जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ेगी आने वाले समय में। तो आचा जी, इसकी मार्केट किस तरीके से बनाई जाए, क्योंकि पोटेंशियल होने से केवल कुछ नहीं होगा, हमें वो मार्केट जो है बनानी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ेगा। जब तक ये पूरी प्लानिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो किस तरीके से इस मार्केट को बनाया जाए? मार्केट को बनाने के लिए अगर हम इसके जो रॉ मटेरियल है बेसिक पे ही अगर आते हैं, तो रॉ मटेरियल का इसमें अच्छा सा जो किसानों को इसमें नॉलेज देनी चाहिए। इवन जो बीएमएस कॉलेजेस हैं वहां पर केवल ऐसा नहीं है कि बीएमएस करने के बाद स्टूडेंट्स केवल डॉक्टर ही बने, बीएमएस करने के बाद एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि आपका आगे अगर आप करना चाहते हैं अपना एज अ नॉलेज या फिर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर जिसमें आप आयुर्वेदिक खेती के फॉर्म में भी आ सकते हैं जो गाँव में स्टूडेंट्स को। लेकिन आचल जी, अक्सर ये देखने को मिलता है कि आयुर्वेदा के अंदर ही बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो फर्जी वादे करती हैं और फिर उसके बाद उसका कुछ बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। ये भी कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ी चीज है कि उसको जो वादा जो उसको किया गया है वो पूरा भी तो हो, और फिर ये कौन देख रहा है, ये भी एक सवाल है कि सबको मैनेज कौन कर रहा है। ये स्टैंडर्डाइजेशन की जरूर कमी है और ऐसा सुन रहे हैं कि इन फ्यूचर में आयुष मार्क आने वाला है, इवन जीएमपी सर्टिफाइड हो गई है। आजकल ये चीज गलत ही है कि आप अननेसेसरली एडवर्टाइजमेंट करके कि आप शर्तिया इलाज 100% इलाज करके आयुर्वेद को प्रमोट किया जाता है या गलत तरीके से इलाज करके कि कुछ भी कह दिया और आयुर्वेद के नाम पे वो बिक रहा है, वहां वो चीज गलत है और इसी वजह से आयुर्वेद कुछ हद तक पीछे रहा है। अगर आयुर्वेद को एक प्रॉपर तरीके से जो आयुर्वेद है जेन्युइन ऑथेंटिक आयुर्वेद है जैसे बोलते हैं अगर कहा जाए करा जाए, लेकिन आज के जो स्टूडेंट है, आज का जो बीएमएस बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो जेन्युइन तरीके से यूपी इवन हम कहेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में आयुर्वेद की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन जो होगा, जो बीएमएस के स्टूडेंट्स होंगे उनको एजुकेशन जब अच्छी तरीके से दी जाएगी, उनको फ्यूचर के गोल्स सिखाए जाएंगे, केवल आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको फार्मेसी खोल सकते हो, आप डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, साथ में आप इसमें आगे रिसर्च कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में नई नई जड़ी बूटियां उगा सकते हैं, तो इस तरह से इसमें हम चेंज ला सकते हैं। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल ही अगर हम बताए जाएं, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल लोग फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, वेस्टर्न कल्चर है, रात को लेट से सोना या फिर जंक फूड खाना, तो लाइफस्टाइल में ही आगे अगर हम एक पढ़ाई करके बच्चे अगर आगे स्टूडेंट काम करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा संसाधन का स्रोत है कि वो केवल आप ऑनलाइन रह के ऑनलाइन कंसल्टेशन दे के किया जा सकता है। तो सुनील जी, अब जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं, मान लीजिए कोई जड़ी बूटी है या फिर हम किसी भी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो पेरिशेबल होता है, उसकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है, तो उसको केमिकल्स के साथ मिलाना पड़ता है। और अक्सर ये भी बहुत बारी न्यूज में देखने को मिलता है कि जी इसके अंदर ये केमिकल है तो वो आपके लिए घातक है, तो उसका बेनिफिट तो नहीं मिला और कंज्यूमर के लिए वो घातक हो गया, इस पर रिसर्च करने की कितनी जरूरत है? बिल्कुल, शोध तो हर युग की आवश्यकता है किसी भी प्रणाली को व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए। जैसे कि आयुर्वेद में पहले टेबल बढ़ाने के लिए काफी सारी चीजें हुई है, पहले भी हुई है, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल होता है तो टैबलेट फॉर्म में या उसका तत्व निकालकर धनवटी के रूप में यूज करते, पर आयुर्वेद में पहले भी था तो उसको अवले के रूप में या पहले उसके सिरप के रूप में बनाते, तो इस पर काम कह रहा है रिसर्च की। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आवश्यकता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट को, केमिकल फ्री रखते ही उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने की आवश्यकता है, तो जो जो रिसर्च होगी और भी रिसर्च होगा तो ये और भी आगे जाने वाली है। रिसर्च बड़े लेवल पे होगा, आपके संसाधन उतने नहीं होते, तो इसमें आयुष मिशन का कितना योगदान है? जब हम आयुष मिशन की बात करते हैं 2014 में इसका शुरुआत की गई, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देने की कितनी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, हम
7 साल में 4 गुना बजट बढ़ा, ठीक है, तो इसमें रिसर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सर बजट बड़ा है, बहुत अच्छी बात है कि बजट हम एक चीज के ऊपर बढ़ा रहे हैं जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। बजट को आवंटन भी तो करना पड़ेगा कि किस पर कितना खर्च करने की जरूरत है जी, और किस पर कम खर्च करने की जरूरत है, बजट एलोकेशन भी तो जरूरी है। बिल्कुल, इसको व्यापक और जनोपयोगी बनाने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन काफी जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन तभी हो पाएगा जब हम उसे रिसर्च करेंगे, रिसर्च होने के बाद ही वो चीज जनता के बीच जाएगी। कोविड में भी हुआ, कोविड में 64 कैप्सूल को हमने मल्टी सेंटिक स्टे की करी मेदांता हॉस्पिटल के साथ एम्स में, हम लगातार किया काम। उसके बाद हम प्रोटोकॉल में इसको शामिल किया कि माइल्ड और मॉडरेट केसेस में 64 कैप्सूल काम करता है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में हमने देखा तो IIT में काम हुआ, अश्वगंधा पर काम हुआ, प्रिवेंटिव में भी अश्वगंधा काम करता है, कोविड को रोकने के लिए भी काम करता है, कोविड के ड्यूरेशन में भी काम करता है, पोस्ट कोविड में भी काम करता है। ये रिसर्च के बाद ही है ना, क्योंकि कोविड तो पहले था नहीं, अश्वगंधा पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा, पर उसको स्थापित करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। जब रिसर्च हम बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ करेंगे, IIT का अपना तंत्र विकसित है, IIM के पास भी है और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो रिसर्च काफी जरूरी है। और रिसर्च पर आयुष मिनिस्ट्री का एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है, बड़े और एक बड़ा बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आंचल जी आपका एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। तो मुद्दा आज बेहद महत्वपूर्ण था कि हमारे देश के अंदर जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो उन स्ट्रेंथ्स के अंदर है आयुर्वेदा, योगा भी उनमें से एक है, लेकिन जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। हम उस अपॉर्चुनिटी को क्यों ग्रैब नहीं कर रहे, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, उस पर काम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस एक प्लानिंग की जरूरत है, एक रोड मैप की जरूरत है। तो आज इसी मुद्दे पर थी हमारी चर्चा कि देश के अंदर आयुर्वेदा कितना अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ जो है हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।